तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो में ये सोच के आए हो कि यहाँ पे कोई हैपनिंग चीज़ होने वाली है तो आपका अनुमान काफ़ी ज़्यादा गलत है। यहाँ पे कोई भी हैपनिंग चीज़ नहीं होने वाली। मैं न्यू ईयर पे कहीं भी घूमने नहीं गया। ये सिर्फ बस मेरी एक स्टोरी है कि हर साल मैं न्यू ईयर किस तरह से मनाता हूँ। अगर आपको ये जानने में दिलचस्पी है तो इस वीडियो में बने रहे, क्या पता आपको मज़ा भी आ जाए। तो देखिए, न्यू ईयर में दो किस्म के लोग होते हैं। पहला जो बहुत ज़्यादा घूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, नाइट आउट करते हैं, और दूसरे होते हैं मेरे जैसे लोग जो कि कुछ नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना हर साल न्यू ईयर किस तरह से मनाता हूँ। तो सुबह 7 बजे मैं उठता हूँ एंड यूजुअली आई गो फॉर ए रन। झूठ बोल रहा हूँ, मैं सुबह की जॉगिंग अभी करता नहीं हूँ। सिर्फ सोचा कि वीडियो में थोड़ा कूल लगेगा इसलिए, और वैसे धूप बहुत है आज। तो जॉगिंग में काफ़ी पसीना बहाने के बाद आई गो बैक होम एंड टेक ए शावर। तो अभी मैं अपनी झूठ मूठ की जॉगिंग कंप्लीट करके और वैसे थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ऐसा लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, वो तो बात और कि खाली 2 मिनट भागा हूँ मैं। तो अभी मैं जाऊंगा नहाने। वैसे नहाने का मैं बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि अगर साल के पहले दिन में नहीं नहाओगे तो पूरा साल बिना नहाए निकलेगा। मानते इस बात को कि सेंस नहीं बनता, लेकिन घर वालों की बात कौन टाल सकता है। जानी अभी नहाते हुए भी देखोगे क्या। तो ये सारी चीज़ें करते करते 11 बज जाते हैं, और 11 बजे आप वो चीज़ करते हो जो कि न्यू ईयर में हर कोई करता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो अगली बात हम ज़मीन पे बैठ के करेंगे, इससे ये लगेगा कि हम काफ़ी हम्बल है। तो मेरा पहला न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि आई वॉन्ट टू हिट 10K सब्सक्राइबर्स बिफोर 2022। अब ये चीज़ उतनी भी नामुमकिन नहीं है, हो सकती है ये चीज़ अगर मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूँ। और यही चीज़ मेरा सेकंड रेजोल्यूशन है जो कि एंगल चेंज करके बताएंगे। और मेरा सेकंड न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि आई वॉन्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑन यूट्यूब। अब ये चीज़ मैं पिछले साल से बोलते आ रहा हूँ। पिछले साल भी वीडियो में मैंने यही कहा था कि मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, और देखा जाए तो इस साल मैंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो भी किया है। कितने वीडियोस मैंने हफ्ते में एक अपलोड की है, लेकिन एक बार फिर मैंने उस चीज़ को बीच में छोड़ दिया, और आज 19 या फिर शायद से 20 दिनों बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, ऐसा कोई मेन इशू नहीं है, लेकिन आजकल क्या काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और एक और रीज़न है, सच बोलूँ तो YouTube से पैसे भी नहीं आ रहे। अब देखो भाई, मनी इज मोटिवेशन। अभी चलो एक बार को पैसे ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन भाई अगर तुम लाइक्स और कमेंट भी कर दोगे ना, तो भाई मेरे लिए वो भी एक मोटिवेशन काफ़ी है। तो क्या पता हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करें अपन, क्या पता। और मेरा तीसरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, तीसरा क्या था, नहीं अभी के लिए 2 काफ़ी है, वरना उससे ज़्यादा हो गए तो वैसे मैं फॉलो करने नहीं वाला। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद फ्रॉम 1 PM टिल 6 PM आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई डे इन दिस एग्जैक्ट सेम पोजिशन एडिटिंग फोटोज एंड वीडियोज फॉर द क्लाइंट्स। फिर 6 बजे आपको याद आता है कि भाई आपकी बाइक को भी नहलाना ज़रूरी है, वरना पूरे साल वो भी गंदी रहेगी। तो अभी हम आए साल का पहला वॉश करवाने, और आशा करते हैं कि पूरे साल अभी गाड़ी मेरी साफ सुथरी रहेगी। तो 8 बजे आपकी अंधूनी आत्मा आपसे कहती है कि भाई बस न्यू ईयर है तो कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे ही जाएंगे। तो आप अपने हर दोस्त को फोन लगाते हो, लेकिन हर कोई पहले से कहीं ना कहीं बिजी होता है। पहले बोलना चाहिए था, अभी दोस्तों के साथ बाहर हूँ। अरे पहले बोलना चाहिए था, मैं अभी घर वालों के साथ बाहर जा रहा हूँ। लेकिन लकीली आपके पास एक वो दोस्त भी होता है जो कि आप जितना वेला होता है, तो आप उससे सिफारिश करते हो। देख प्लान तो मस्त है, लेकिन तेरे को पता है ना कि 11 बजे के बाद लॉकडाउन चल रहा है। और बस यही करते करते दिन खत्म हो जाता है, और एक बार फिर मैं न्यू ईयर पे कहीं भी घूमने नहीं गया। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं।
तो देखो भाई, फाइनली 2020 द डेविल्स ईयर खत्म हो रहा है, और मेरे हिसाब से खत्म हो रहा है नहीं, खत्म हो चुका होगा जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो थोड़ी ज्ञान की बातें मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि न्यू ईयर है, रेजोल्यूशन बनाओ, फॉलो करना है नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी। और जो न्यू ईयर पे सबसे बड़ा इशू है वो है ड्रिंक एंड ड्राइव। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि मत करो यार, एक ही लाइफ है, एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्यों बेकार में अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो। और बस ज़्यादा ज्ञान मैं पेलूंगा नहीं यहाँ पे। और जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शायद से एक अच्छी सीरीज आ सकती है चैनल पे, शायद से नहीं 95% पक्का हो ही गया है कि आएगी ही आएगी। और मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ कि ठंडी में लोग आखिर कहाँ जाते हैं, 99% लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और बस यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले मैं आपको तीन चीज़ बोलना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ एंड पीस। सही है, चालू है।